चलो नाउ कैन यू रिफर फर्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 98, देखो जरा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 98, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड 4 केजी पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब अगर आप एक यूनिट बनाओगे तो आपको कितना मटेरियल लगेगा, 4 केजी, द रिलेवेंट फिगर आर एज अंडर, स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, एक्चुअल प्राइस पर केजी, एक्चुअल आउटपुट फॉर द पीरियड इज 1000, कैलकुलेट ऑल द नेसेसरी वेरियंसेस, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट क्या है अपना 1000 यूनिट्स, बना सकते हैं टेबल, इट मींस स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, इफ द आउटपुट इज 1 यूनिट, स्टैंडर्ड इनपुट इज 4 केजी, दिस इज 1000, दिस इज 4000, और ये 4000 किस रेशियो में रहेगा, स्टैंडर्ड मिक्स 30:40, 20:10, ए बी सी डी, द स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ ए बी सी डी इज 30:40:20:10, 30:40:20:10 इंटू 4000 केजी, 1200 केजी इंटू 4000, 1600 केजी इंटू 4000, 800 इंटू 4000, 400 केजी, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल required 4 kg per unit of output, the relevant figure are as under, standard mix, standard price, actual quantity, actual price, actual output is 1000 units, right? अगर मेरा 1 unit output है तो मुझे input कितना लगेगा, 4 kg, अगर 1000 units मेरा output है तो मुझे input कितना लगेगा, 4000, 4000 इन द रेशियो ऑफ 30:40, 20:10, ओके, स्टेप नंबर 1, व्हाट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव यू जस्ट ट्राई टू पुट इनटू द टेबुलर फॉर्म, पहले टेबल बना लीजिए, राइट, स्टेप नंबर 1, दिस इज मटेरियल वेरियंस बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल इनपुट क्वांटिटी rate amount, quantity rate amount, A B C D, 1200, 1600, 800, 400. $1180, $1580, $830, $440.
All right. राइट क्या कॉस्ट हम लोगों ने सोचा था 7000 क्या कॉस्ट आ रहा है 8520 कितने का लॉस हो गया 620 कितने का लॉस हो गया बोलो 620 देयर इज ए लॉस ऑफ रुपीज 620 राइट फर्स्ट स्टेप नंबर टू दिस इज मटेरियल कॉस्ट वेरियंस क्या कॉस्ट आपने सोचा था 7900 क्या कॉस्ट आ रहा है 8520 कितने का लॉस हो गया 620 डिवाइडिंग टू मटेरियल यूसेज वेरियंस और मटेरियल रेट वेरियंस ए बी सी डी 1200 1180 1600 1580 800 830 400 440 into 1.25, 1.50, 3.5 and 3. Three and three into 1180, 1580, 830 and 440.
25 favorable. Thirty favorable, 105 adverse, 120 adverse. Whenever there is a quantity part, you multiply by standard rate. 1.25 minus 1.3 into करिए 59 adverse. adverse. 332 favorable, 83 favorable. Four 50 adverse. All right, समझ में आ रहा है? बोलो, है? अब इसके दो पार्ट. मटेरियल सब यूसेज वेरियंस. फॉर्मूला की जरूरत एग्जाम में नहीं है, राइट? फिर भी आपकी मर्जी, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, राइट? मटेरियल मिक्स वेरियंस. क्या सोचा था 4000, क्या आ रहा है 4030, 30 kg एक्स्ट्रा 7900 डिवाइडेड बाई 4000. ये हमेशा क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ इनपुट. मटेरियल यील्ड वेरियंस, ये हमेशा क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ आउटपुट. इनपुट आउटपुट, इनपुट 4000, आउटपुट 1000, इनपुट 4030. वन थाउजेंड सेवन पॉइंट फाइव की जगह 1000 7900 1. दिस इज द लॉस ऑफ आउटपुट. तो मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट ऑफ आउटपुट ओनली, राइट? 7.5 इंटू 7.9, 59.25 एडवर्स. 4000 इनपुट है, 4000 से हमें आउटपुट कितना मिलना चाहिए 1000. 4000 इनपुट से कितना आउटपुट मिलना चाहिए 1000. फोर थाउजेंड इनपुट से मुझे कितना आउटपुट मिलना चाहिए 1000. तो 4030 से कितना मिलना चाहिए 1007.5.
1007.5 की जगह आपको कितना मिल रहा है 1000, तो 7.5 यूनिट्स आपका जो फिनिश गुड्स है उसका आपको क्या हो गया लॉस, 7.5 फिनिश गुड्स है उसका आपको क्या हो गया लॉस. एंड व्हेनेवर देयर इज ए क्वांटिटी पार्ट यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट राइट हियर प्रोडक्शन मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस फ्लक्चुएशन राइट तो यू मल्टीप्लाई बाय द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ आउटपुट से यस ऑन राइट. लास्ट आपका बचता है मटेरियल मिक्स ए बी सी डी 1200 1600 800 400 डिवाइडेड बाय 4000 4000 4000 4000 into 4030 1180 1580 830 and 440 1200 divided by 4000 into 4030 divided by 4000 into 1600 1612 4030 divided by 4000 into 800 806 4030 divided by 4000 into 400 403 1.25 1.5 3.5 and 3 1209 minus 1180 into 36.25 favorable. Forty-eight favorable, 94.5 adverse, 111 adverse, 121.25 कैसे आ रहा है ये बराबर है 36.25 48 84 पॉइंट ओनली 84 ओके क्या आ रहा है सही है सर राइट. अब आप नेक्स्ट लिखिए इतना आप कॉपी कर लीजिए पहले ना प्रॉपर फ्रेंड्स. अब आप एक नोट लिख लीजिए राइट. इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन
in the absence of information, the best method of valuation is FIFO. In the absence of information, the best method for valuation is FIFO, and the price is standard. And the price is standard. अगर आपको कुछ ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. अगर आपको कुछ भी information नहीं है तो in the absence of information हमेशा आपको क्या लेना पड़ेगा, FIFO method. और price आपको क्या लेना है, standard price. Okay? You just refer question number 9. देखो जरा क्वेश्चन नंबर 9, रिफर क्वेश्चन नंबर 9. पहला नोट अपना क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट. व्हाट इज द एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट इज 1700 केजी. एक्चुअल आउटपुट इज 1700 केजी. अगर हम लोग 100 केजी इनपुट डालते हैं तो उसमें कितना लॉस होगा, 15%. तो आउटपुट हमें कितना मिलेगा, 85. बनाओ, दिस इज नोट नंबर 1, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट. स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट बराबर, अगर मेरा इनपुट है 100 केजी, लॉस है 15 केजी, तो आउटपुट मुझे मिलेगा 85 केजी. अगर मेरा इनपुट है 100, लॉस है 15, आउटपुट मिलेगा 85. अगर ये 1700 है तो 1700 इंटू 100 बाई 85. टू थाउजेंड इन द रेशियो ऑफ 40:60, ए एंड बी 40:60, 800 केजी एंड 1200 केजी. क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इफ द इनपुट इज 100, इफ द इनपुट इज 100, लॉस इज 15, आउटपुट इज 85. If the input is 100, loss is 15, output is 85. If the output is 1700, input is required 1700 into 100 by 85. है ना? अब उसके सामने, production manager is not responsible for purchase. He is responsible only for consumption. What do you mean by consumption? Opening stock plus purchases minus closing stock. First lecture में आपको बताया था, direct material consumption में opening stock plus purchases minus closing stock. तो निकालो, this is actual input for actual output. Actual input for actual output, A and B. First, opening stock plus purchases less closing stock. Opening stock plus purchases minus closing stock. Opening stock 35 kg, 40 kg, 800, 1200, and closing stock 5 kg and 50 kg.
This is consumption. 35 plus 800 minus 5, 830. 40, 1200 less 50, 1190. अब टोटल कंजम्पशन हुआ आपका 830, टोटल कंजम्पशन आपका हुआ 1190, राइट? आप कैसे इसको इश्यू करोगे, राइट? तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन द बेस्ट मेथड इज फीफो. इट मींस 35 केजी पहले ये चला जाएगा. फीफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सीपीटी में किया था कि नहीं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फिर 795 इसमें से चला जाएगा. 35 अपन को टोटल इशू करना है 830. 830 माइनस 35 आपका क्या बचेगा, 795, राइट? पहले जाएगा 40 केजी और फिर जाएगा 115 केजी, बराबर. अभी देखो अपने को जो परचेज में से जा रहा है उसका तो रेट मालूम है. व्हाट इज द परचेज रेट? 3400 डिवाइडेड बाई 800 और 3000 डिवाइडेड बाई 1200. और इसके लिए अपने को रेट नहीं मालूम है तो हम लोग क्या ले सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड. व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेट? 4 rupees इन केस ऑफ ए और 3 rupees इन केस ऑफ बी. सुनो, ऑल राइट, समझ में आ रहा है टेबल. पहला स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट. अगर इनपुट 100 है, लॉस 15 है, आउटपुट मिलेगा 85. 85 के लिए इनपुट 100, तो 1700 के लिए 2000. 2000 इन द रेशियो ऑफ ए एंड बी, 40:60. एक्चुअल इनपुट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. कंजम्पशन कैसे, पहले ओपनिंग स्टॉक निकल जाएगा फिर यहां से लेंगे, पहले ओपनिंग स्टॉक निकलेगा फिर यहां से लेंगे. सही है सुनो, राइट? अब आप आ जाइए स्टेप नंबर 1 आपका मटेरियल वेरिएंस, विच इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन? Actual production is 1700 kg, right? Then standard and actual. First, input quantity rate amount, quantity rate amount. इनपुट ए एंड बी, स्टैंडर्ड 800, 1200, एक्चुअल 35 × 4, 795 × 4.25, 40 × 3 and 1150 × 2.5. Standard rate is 4 and 3.
2875. Six five one 3.75. Check the total. क्या आता है? क्या कॉस्ट आ रहा है? बराबर है। क्या कॉस्ट हम लोगों ने सोचा था? 6800। क्या कॉस्ट आ रहा है? 6513.75। क्या कॉस्ट सोचा था? 6800। क्या कॉस्ट आ रहा है? 6513.75। क्या हो जाएगा? स्टेप नंबर टू, दिस इज मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। क्या कॉस्ट आपने सोचा था? 6800। क्या कॉस्ट आ रहा है? 6500। देन मटेरियल यूसेज वेरियंस, मटेरियल रेट वेरियंस, ए बी 800, 1200, एक्चुअल में कंज्यूम्ड 830, 1190। व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। 800 उसकी जगह क्या यूज हुआ? 830। 1200 उसकी जगह क्या यूज हुआ? दिस। 4 माइनस 4 इंटू 35, 4 माइनस 4.25 इंटू 795, 3 माइनस 3 इंटू 40 एंड 3 माइनस 2.5 इंटू 1150। 120 एडवर्स, 30 फेवरेबल, 90 एडवर्स। दिस इज निल, दिस इज निल। पॉइंट टू फाइव इंटू 795, 198.75 एडवर्स। 3 लेस 2.5 इंटू 1150, 575 फेवरेबल, लेस 198.75, 376.25 फेवरेबल, माइनस 286.6800 लेस 6513.75, 286.25 एडवर्स। बोलो या सुनो, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? क्या कॉस्ट सोचा था? 6800। क्या कॉस्ट आ रहा है? 6513। एक आपका हो जाएगा मटेरियल यूसेज, दूसरा आपका हो जाएगा मटेरियल रेट, एक आपका हो जाएगा मटेरियल यूसेज, दूसरा आपका हो जाएगा मटेरियल रेट। मटेरियल यूसेज यू कैन डिवाइड इन टू पार्ट्स। This is material sub-usage variance or material
मिक्स वेरियंस. सब यूसेज ऑलवेज इज ए कंपेरिजन ऑफ इनपुट. टू, टू की जगह कितना यूज किया है आपने, टू जीरो टू जीरो, सिक्स एट डबल जीरो टू थाउजेंड, सिक्सटी एट एडवर्स. हमने सोचा था 2000 केजी मटेरियल लगेगा, हमने सोचा था 2000 केजी मटेरियल लगेगा, मटेरियल यूज हुआ 2020, 20 केजी ज्यादा हुआ, राइट. वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट यू मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट, वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट यू मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट. सही है, सुनो, समझ में आ रहा है, बोलो. फिर आपका आ जाएगा इसी में मटेरियल यील्ड वेरियंस, इट मींस इनपुट आउटपुट. इनपुट 2000, आउटपुट 1700, इनपुट 2020 1717, दिस इज 1700, 6800, 1700 एंड 68 एडवर्स. 2000 इनपुट से मुझे आउटपुट कितना आना चाहिए, 1700. 2000 इनपुट से मुझे आउटपुट कितना आना चाहिए, 1700. तो अगर मैं 2020 डालूंगा तो मुझे आउटपुट कितना आएगा, 1717, और 1717 के सामने मुझे आ रहा है ओनली 1700. तो मेरा लॉस कितने का हो गया, 17 केजी ऑफ आउटपुट. ये हमेशा क्या रहेगा, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, बराबर. और एक आउटपुट का केजी का रेट क्या है, प्रोडक्शन मैनेजर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस फ्लक्चुएशन. तो 6800 इज द कॉस्ट फॉर 1700, तो 4 रुपीज का. सही है, सुनो, ए बी 800, 2000, 1200, 2000 इंटू 2020. Adverse. Favorable. 22 adverse plus 68 adverse is 90 adverse. बोलो, देखो जरा चेक करो. क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स, बोलो.
ऑलराइट, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? बोलो। अब देखो, तो ये आपका ये रहा। अब होमवर्क सेक्शन ले लो अपना, जो होमवर्क में है ना, जो लेटेस्ट आपके आईसीआई के मॉड्यूल के समय वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्लियर हुआ? एकदम क्लियर है ना? मटेरियल सब यूसेज, मटेरियल यिक्स टेली, दिस प्लस दिस इज दिस, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ये आपका पूरा हो गया राइट। अब आप आ जाइए, अपन होमवर्क सम्स थोड़े देख लेते हैं। देखो जरा होमवर्क का क्वेश्चन नंबर, हम लोगों ने अपने जो क्वेश्चन है वो 19 तक हैं राइट, अपनी बुक में ना, तो 19 के बाद अपन ने सीरियल दिया है जो आईसीआई के जो नो है। अब देखो पहला क्वेश्चन 20 देखो जरा कैसे टेबल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या बोल रहा है। द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर ऑफ ए प्रोडक्ट जेड जेड आर एज अंडर राइट, दोनों दे रखा है इसने। इट मीन्स मटेरियल वेरियंस कैसे करेंगे अपन, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल बराबर, क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट। क्वांटिटी सब आपको दे रखा है, आप सिर्फ ध्यान दो राइट। सॉल्यूशन मैंने आपको दे रखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप देखिए जरा सॉल्यूशन मैंने नीचे दे रखा है, आप जरा देखिए उसमें ना क्या क्वांटिटी मैंने सोचा था 50 इंटू 1, तो दैट वे वी कैन सेव आवर टाइम 50 एंड 45 इंटू 0.8 आपको क्या आएगा 36। सही है, सुनो सॉल्यूशन में देखिए आप जरा, मटेरियल वेरियंस मिला फ्रेंड्स आपको, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस क्या कॉस्ट आपने सोचा था, सॉल्यूशन में देखो 50 क्या मिल रहा है 36, कितने का बेनिफिट हो गया आपको 14 आपका क्या आ जाएगा फेवरेबल। अब हु इज रेस्पॉन्सिबल, मेटेरियल यूसेज वेरियंस देखिए, क्या क्वांटिटी आपने सोचा था 50, क्या क्वांटिटी आ रहा है 45 कम आया आपका, इट्स गुड इंटू 1 रुपीज। देखो आपको मेटेरियल यूसेज वेरियंस है फेवरेबल, मेटेरियल रेट वेरियंस 1 रुपी आपने सोचा था, क्या रेट आ रहा है 0.8, कितने का बेनिफिट हो गया 20 पैसे का इंटू 45 आपका क्या आ जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 21 जरा देखो, जो आपके मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दे रखा है वो भी रेफरेंस है उसमें, इलस्ट्रेशन 2 है, लेकिन हमने जो सीरियल दिया है अपन अपने सीरियल से चलेंगे राइट। क्वेश्चन 21 जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या दे रखा है। एनएक्सी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फर्निसेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड मेटेरियल फॉर 70 kg ऑफ फिनिश गुड्स इज 100, प्राइस ऑफ मेटेरियल इज 1, एक्चुअल आउटपुट 2,10,000, मेटेरियल यूज 2,80,000 एंड कॉस्ट ऑफ मेटेरियल इज 2,52,000। कैलकुलेट द मेटेरियल यूसेज, मेटेरियल प्राइस एंड मेटेरियल कॉस्ट। हमेशा आपको क्या बनाना चाहिए, पहले स्टेप नंबर 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने दिया है, आप जरा ध्यान दो। स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आपको क्या बनाना है टेबल, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू कॉन्सेंट्रेट, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, सब कुछ मैंने लिख के दिया है। देखो क्या बोल रहा है, अगर आउटपुट होगा 70 kg तो मेरा इनपुट क्या हो जाएगा 100 kg बराबर। अब मैंने आउटपुट किया है 2,10,000, तो 2,10,000 इंटू 100/70 एंड दिस कम्स टू 3,00,000। समझिए या नहीं समझिए, पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, ये तो नोट नंबर 1 था है ना, मटेरियल वेरियंस बेस्ड ऑन बोलो एक्चुअल प्रोडक्शन, व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन 2,10,000
10,000 kg. It means standard and actual kg rate amount. कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखा दे रखा है. You have to just concentrate. कितना इनपुट आपको लगेगा? 3 lakh kg. एक इनपुट का रेट क्या रहेगा? 1. क्या आ जाएगा? 3 lakh. एक्चुअल में क्या हुआ? 2 lakh 80. एक्चुअल कॉस्ट क्या आया? 252. 252 को 280 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 0.9. अब जरा देख लो, एनालिसिस वेरीफाई करो, एनालिसिस बराबर किया है कि नहीं वो जरा देख लो. देख लो, जरा चेक कर लो बराबर किया है कि नहीं अपन ने. आपको दे रखा ना मटेरियल कॉस्ट वेरियंस कितना था, कैलकुलेटर पे चेक कर लो. आपके इंस्टीट्यूट के मैट में जो आपको आईसीआई का न्यू मैट दिया उसमें ये इलस्ट्रेशन 2 है. हम लोगों ने अपने बुक के हिसाब से सीरियल दिया है इसको 21. 3 lakh रुपीज अपना कॉस्ट था, एक्चुअल में क्या आ रहा है देखो जरा सॉल्यूशन में, 252. कितने का गेन हो गया अपने को? 48,000 का. हु इज रेस्पॉन्सिबल? प्रोडक्शन मैनेजर. उसने क्या बोला था? 3 lakh यूज किया, 280, 20,000 का बेनिफिट हो गया. वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 1 rupee, है ना. होमवर्क सम्स आप खुद से करिए. 1 की जगह 0.9 रेट आया, 10 पैसे का प्रॉफिट हुआ इंटू 2 lakh 80,000. 28,000 को अपने को क्या हो गया? बेनिफिट. बोलो यस और नो फ्रेंड्स. ट्राई क्वेश्चन नंबर 23. ये जितने भी होमवर्क्स हमें वो आप खुद से करिए. हाँ, ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 23. ये आपके इलस्ट्रेशन में है, इलस्ट्रेशन 3. ये आपके मॉड्यूल में है इलस्ट्रेशन 3 और अपना ये है क्वेश्चन नंबर 23, राइट. देखिए जरा क्या बोल रहा है. नोट नंबर 1, व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन. इसमें देखो जरा, द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ए केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलोज. 40% आपका ए रहेगा एट द रेट ऑफ 20, 60% बी रहेगा एट द रेट ऑफ 30. स्टैंडर्ड लॉस 10% ऑफ द इनपुट एक्सपेक्टेड इन द प्रोडक्शन. द कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर ए पीरियड शोड द फॉलोइंग. 90 kg ऑफ ए एट द रेट ऑफ 18, 110 kg ऑफ बी एट द रेट ऑफ 34. द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाई 182 kg ऑफ गुड प्रोडक्ट. कैलकुलेट ऑल द वेरियंसेस. अगर मेरा इनपुट है, बोलो, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ दे रखा है. आप ध्यान दो. नोट नंबर 1, इनपुट कितना इनपुट रहेगा? 100. मेरा लॉस कितना जाएगा? 10. मुझे आउटपुट कितना मिलेगा? बोलो 90. आउटपुट के लिए इनपुट कितना चाहिए? 100. व्हाट इज माय आउटपुट? 182. तो 182 के लिए कितना लगेगा? इनटू 100 डिवाइडेड बाय 90 क्या आएगा? 202.22. इसको दो में डिवाइड कर लो. 40 ऑफ ए एंड 60 ऑफ बी क्या आ जाएगा आपका? 80.89 केजी एंड 121.33 केजी. यस और नो, है ना. टेबल देख लीजिए आप. दिस इज मटेरियल वेरियंस बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन? इज 182 केजी. से यस और नो फ्रेंड्स. आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज गिवन, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल. देख लीजिए कितना स्टैंडर्ड केजी अपने को चाहिए. दिस इज ए एंड बी क्वांटिटी रेट अमाउंट. क्वांटिटी रेट अमाउंट कितना क्वांटिटी चाहिए अपने को? 80.89, 121.33. व्हाट इज द रेट? 20 एंड 30. जब एक्चुअल क्वांटिटी यूज किया 90, 110 into 18 and 34 and the solution is given to you. समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? बोलो, एवरीथिंग इज फाइन, प्रॉपर?
एक जरा 28 देख लो आप, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी दे रखे आपके मॉड्यूल में, वो भी अपन कवर अप कर लेते हैं। क्वेश्चन 28 ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दे रखा है, थोड़ा फास्ट इसके लिए लगेगा क्योंकि मैंने आपको सॉल्यूशन दे रखा है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो जरा 28 फॉर मेकिंग 10 केजी ऑफ केमको द स्टैंडर्ड मटेरियल इज रिक्वायरमेंट ए एंड बी 8 केजी ऑफ ए 4 केजी ऑफ बी एट द रेट ऑफ 6 एंड 4 ड्यूरिंग अप्रैल 1000 केजी ऑफ केमको प्रोड्यूस द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल ए एंड बी 750 500 रेट इज दिस। क्या करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, व्हाट इज योर एक्चुअल आउटपुट बोलो 1000 तो ए एंड बी 1000 10 केजी के लिए ए कितना लगेगा आपको 8 केजी इट मींस 1000 के लिए कितना लगेगा 800 केजी बोलो 1000 10 into 10 केजी के लिए 4 केजी तो ये क्या हो जाएगा आपका 400 केजी बोलो या सोनू है ना। देन इसको टेबुलर फॉर्म में डाल दो स्टेप नंबर 1 मैटर या फिर ऐसे भी कर सकते हैं ना 12 केजी टोटल चाहिए फॉर 10 केजी तो क्रॉस हाँ सेम मटेरियल वेरियंस बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 1000 राइट दिस इज स्टैंडर्ड एंड दिस इज एक्चुअल इनपुट क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट कौन कौन सा इनपुट है ए एंड बी 800 400 जब एक्चुअल में यूज किया तो 750 and 500 एक्चुअल रेट 7 and 5 एंड स्टैंडर्ड रेट 6 and 4 अभी आप देख लीजिए जरा ना पूरा टेबल बना के मैंने आपको दिया है सॉल्व करके आपको दिया है सही है सुनो फ्रेंड्स ऑलराइट इजी है सॉल्यूशन आपको दे रखा है ना। एक लास्ट और आप देख लीजिए मटेरियल का 29 होमवर्क क्वेश्चन 29 अपने हिसाब से 29 है आपके मॉड्यूल में इसका रेफरेंस है 2 क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम राइट क्वेश्चन नंबर 29 अपने हिसाब से देखिए जरा आप क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 29 ये होमवर्क सम सब मैंने अपने फॉर्मेट में सॉल्व करके दिए आप खुद से ट्राई करिए एंड देन चेक द आंसर द स्टैंडर्ड मिक्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड 60 80 100 एट द रेट ऑफ 15 20 25 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 10 यूनिट वर एक्चुअली प्रोड्यूस एंड द कंजम्पशन वॉज एज फॉलोज क्या करेंगे अपन बोलो स्टैंडर्ड इनपुट सेम फॉर्मेट में जाइए आप स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट एक्स वाई जेड 60 यूनिट्स किसके लिए है 1 यूनिट के लिए तो 10 के लिए 600 बोलो देन 80 यूनिट्स 1 यूनिट के लिए तो 10 के लिए 800 100 यूनिट्स 1 के लिए तो 10 के लिए
1000, 600, 800, 1000, ये आपका क्या था स्टैंडर्ड। उसके सामने आपने एक्चुअली क्या यूज किया है, इट मींस स्टेप नंबर वन, दिस इज मटेरियल वेरियंस ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 10 यूनिट्स, दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज एक्चुअल इनपुट क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट क्या क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड 600, 800, 1000। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने दिया है 640, 950 and 870। यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड रेट रहेगा 15, 20, 25, ये 17.5, 18, 27। बराबर, फिर उसका कंपैरिजन है। सो मैक्स टू मैक्स मटेरियल अभी अपना क्या क्या कंप्लीट हो गया, सेल्स कंप्लीट हुआ, मार्जिन कंप्लीट हुआ और मटेरियल कंप्लीट हुआ। मटेरियल में आपसे क्या पूछेगा, हमेशा क्या ध्यान रखने स्टेप्स, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, राइट। फर्स्ट यू फाइंड आउट एक्चुअल आउटपुट, उसके हिसाब से यू वर्कआउट द स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, राइट। तो पहला आप बना लीजिए, उसके बाद यू मेक द टेबल, फिर वेरियंसेज, वेरियंस में कॉस्ट, यूसेज, रेट। यूसेज के दो पार्ट, सब यूसेज मिक्स, सब यूसेज का एक पार्ट और दिस इज योर यील्ड वेरियंस। ओके, आपका सेल्स कंप्लीट, मार्जिन कंप्लीट एंड मटेरियल कंप्लीट, दैट्स इट। ओके,